बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांचवी के गणित में अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएं। बच्चों पाठ के पहले भाग में हम देख चुके हैं तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं। जैसे किसी भिन्न के अंश और हर में किसी एक संख्या से गुणा करके, और दूसरा हमने क्या सीखा था, किसी भिन्न के अंश और हर में किसी एक संख्या से भाग देकर। आइए आज के वीडियो में हम सीखेंगे समहर भिन्नों को जोड़ना, समहर भिन्नों को घटाना, असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना और असमान हर वाली भिन्नों को घटाना। तो चलिए शुरू करते हैं एक उदाहरण से। आप देख रहे हैं यहां पर आर्यन ने पहले दिन अपने घर की दीवार के 4/7 हिस्से की पुताई की और दूसरे दिन 1/7 हिस्से की पुताई की। तो बताना यह है बच्चों कि दो दिन में आर्यन ने दीवार का कितना हिस्सा पोत लिया। चलिए इसके लिए हम एक दीवार लेते हैं। ये देखिए एक दीवार है, इसको हम एक पूर्ण इकाई मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, महत्वपूर्ण काम हमारा यहीं पर है। प्रश्न में दिया हुआ है पहले दिन 4/7 हिस्से की पुताई की और दूसरे दिन 1/7 हिस्से की, इसलिए हम इस दीवार को 7 बराबर भागों में बांटेंगे। क्यों, एक बार फिर समझ लेते हैं। चूंकि 4/7 और 1/7 लिखा हुआ है पहले से, 4/7 कहने का मतलब है हम इस पूर्ण इकाई को यानी इस पूरे दीवार को 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब देखिए आपके प्रश्न में है पहले दिन 4/7 भाग की पुताई हो चुकी है, तो अब चलिए हम 4/7 भाग को दूसरे रंग में रंग लेते हैं। जैसे देखिए आप यहां पर पीले रंग में रंग दिया गया है, ये 4/7 भाग, प्रत्येक भाग जो है वो इसमें 1/7 भाग को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार से हम 4 हिस्से लेंगे, ये 4 हिस्से कुल इकाई का 4/7 कहलाएगा। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है दूसरे दिन 1/7 हिस्से की पुताई कर चुका उसने, तो अब हम एक हिस्से को और इसमें से पीला रंग में रंग देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पहले दिन 4/7 हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है आपके बाएं साइड में, और दूसरे दिन उन्होंने 1/7 हिस्से को रंगीन किया है पीला रंग में, जो आपके दाहिने ओर दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए, आप पिछले कक्षा में कक्षा 4 में पढ़ चुके हैं रंगीन हिस्से को भिन्न में प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो कुल 7 बराबर भागों में बटा हुआ है, जिसमें से पहले दिन 4 भाग की पुताई हो चुकी है, दूसरे दिन 1 भाग की बुताई हो चुकी है। तो कुल अब इस जो पीले रंग दिख रहा है उसके लिए आप भिन्न में क्या लिखेंगे, तो आप भिन्न में लिखेंगे वो क्या है, 5/7। इस प्रकार से हम भिन्न के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों कि कैसे और कितना हिस्सा हमारा पुताई हो चुका है। अब चलिए इसी को हम बिना चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4/7 क्योंकि पहले दिन की बुताई है ये, धन दूसरे दिन की बुताई क्या लिखेंगे, 1/7। अब आप तुल्य भिन्न वाले हिस्से में समझ चुके हैं कि जब दो भिन्नों को हम जोड़ते हैं और हर समान हो तब हम उसको एक ही बार लिखते हैं और अंशों को जोड़ देते हैं। तो आइए अब हम वही काम यहां पर करने वाले हैं। दोनों भिन्न को आप ध्यान से देखिए, दोनों का हर समान है, 7 दोनों में है, इसलिए हम 7 को एक बार लिखेंगे और फिर अंशों को जोड़ देंगे, 4 धन 1। अब चलिए जोड़ के लिख लेते हैं, 4 धन 1 कितना हुआ, 5, और 7 का 7 रहेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उस दीवार का कुल 5/7 हिस्सा पुताई हो चुकी है। बच्चों इतनी क्रिया करने के बाद आपने यह समझा कि समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए भिन्नों के अंशों को जोड़कर अंश में लिखते हैं और हर को एक ही बार हर में लिखते हैं। अब एक बार फिर से देखिए इसको, आप जो है वो रंगीन हिस्सा के लिए तो लिख चुके 5/7, लेकिन जो हिस्सा अभी बचा हुआ है जो पीला रंग नहीं है उस हिस्से के लिए आप क्या लिखेंगे, क्या आप इसको बता सकते हैं। यदि आप चित्र को देख के लिखना चाहें तब आप तो ये लिखेंगे 2/7, क्योंकि ये पूर्ण इकाई जो है वो 7 बराबर भागों में बटा हुआ है और दो हिस्सा अभी भी आसमानी रंग में आपको दिखाई दे रहा है जिसकी पुताई नहीं हुई है, तो वो है 2/7। आइए अब देखते हैं समहर भिन्नों का घटाना। इसके लिए एक हम उदाहरण लेते हैं, किसी खेत के 4/5 हिस्से में फसल लगी हुई थी,
किसान ने 3/5 हिस्से की फसल काट ली, तो आपको बताना ये है कि कितने हिस्से का फसल शेष रह गई। बच्चों चलिए इसके लिए हम एक खेत लेते हैं। ये देखिए चित्र में, ये एक खेत है, इसको हम एक पूर्ण इकाई मान लेते हैं, इसको हम चाहे तो 1/1 भी कह सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, 4/5 और 3/5। इसका मतलब ये है कि इस पूर्ण इकाई को हमें 5 बराबर भागों में विभक्त करना है, 5 बराबर भागों में बांटना है। 5 बराबर बटे हुए भागों को हम 5/5 भी कह सकते हैं, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न ये कहता है कि 4/5 हिस्से में फसल लगी हुई थी, तो चलिए हम 4/5 हिस्से में फसल लगा देते हैं। देखिए जो हरा रंग दिख रहा है इसमें पूरा फसल लगी हुई है, और एक हिस्सा जो 1/5 है वो छूटा हुआ, इसमें कोई फसल नहीं लगा हुआ है, कारण जो भी हो सकता है। बच्चों आपको हम यहाँ पर बता दें कि जो प्रत्येक हिस्सा जो बटा हुआ है उस प्रत्येक हिस्से को हम भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, यानी 5 बार हम 1/5 के रूप में इसको दर्शा सकते हैं प्रत्येक हिस्से को। अब देखिए आप 4 हिस्से में फसल लगी हुई है, अब किसान क्या कर रहा है, 3/5 हिस्से की फसल की कटाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले हिस्से कटाई कर लिया इसको हम 1/5 कहेंगे, फिर दूसरे हिस्से कटाई किसान ने कर लिया इसको हम फिर 1/5 कहेंगे, अभी 2 हिस्से कटाई हो चुकी है, और तीसरे हिस्से कटाई जब करेगा तो उसको भी हम 1/5 कहेंगे। इस प्रकार से तीनों हिस्से की कटाई हो चुकी है, अब तीनों को एक साथ मिला के हम क्या कहेंगे, 3/5। अब आप चित्र में देख पा रहे हैं जो हरा हिस्सा दिख रहा है आपको, वो पूर्ण इकाई का कितना हिस्सा बचा हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्योंकि चित्र को देख के समझना आपके लिए आसान होगा। हम पहले ही बता चुके थे कि यह जो हिस्सा है 1/5 है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसान के खेत में 4/5 हिस्से में फसल लगी हुई थी, 3/5 हिस्से की कटाई हो चुकी है, तो अब शेष कितना है, 1/5 हिस्सा। अब चलिए इसी को हम बिना चित्र के माध्यम से बनाकर देखते हैं। प्रश्न आपको ध्यान में है, प्रश्न क्या है, 4/5 हिस्से में फसल लगी हुई है, 3/5 हिस्से की फसल किसान ने काट ली, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 4/5, चूंकि हमको बताना है कि कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर घटाने की क्रिया करने जा रहे हैं, इसलिए हम घटाने का चिन्ह लगा देंगे बीच में और लिखेंगे 3/5। अब आप जानते हैं बच्चों कि ये दोनों भिन्न ऐसी हैं जिसके हर समान हैं, और हम समान हर वाले भिन्नों के साथ क्या करते हैं, हर को एक बार लिखते हैं और अंशों को घटा लेते हैं। तो चलिए हर को हम एक बार लिख दिए 5 और 4 ऋण 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम 4 में 3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आया यहाँ पर, 1/5। यही हम चित्र के माध्यम से भी समझ चुके हैं। तो यहां पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समान हर वाले भिन्नों को घटाने के लिए भिन्नों के अंशों को घटाकर अंश में लिखते हैं और हर को एक ही बार हर में लिखते हैं। तो बच्चों यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आप समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना और घटाना समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, असमान हर वाले भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। देखिए यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ है, 1/3 धन 1/4, ये 2 ऐसे भिन्न हैं जिसके हर समान नहीं है, इसको हम असमान हर वाले भिन्न कहते हैं। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। हम पिछले भाग में तुल्य भिन्न बनाना सीख चुके हैं, तो अब हम उसका यहाँ पर उपयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 1/3 की तुल्य भिन्न लिखेंगे। कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं बच्चों कि हम 1/3 को यदि 2 से गुना करें अंश और हर में, तो ये 2/6 बन जाएगा। यदि हम 1/3 के अंश और हर में 3 से गुना करें तो ये 3/9 बन जाएगा। यदि हम 1/3 के अंश और हर में 4 से गुना करें तो 4/12, और यदि अंश और हर में 5 से गुना करें तो 5/15 बनेगा। ठीक इसी प्रकार से हमको 1/4 की भी तुल्य भिन्न यहाँ पर लिखनी होगी। तो 1/4 की तुल्य भिन्न क्या क्या होंगी, चलिए आप भी करके देखिए। 1/4 को सबसे पहले हम अंश और हर में 2 से गुना करेंगे तो ये 2/8 बन जाएगी। फिर 1/4 के अंश और हर में हम 3 से गुना करेंगे 3/12, 4 से गुना करेंगे अंश और हर में तो ये 4/16, 5 से गुना करेंगे हम अंश और हर में तो 5/20 हो जाएगा। यहां तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है, तब अब क्या करना है ये महत्वपूर्ण बात है। आप
दोनों भिन्नों के तुल्य भिन्नों को ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि तुल्य भिन्नों में कौन कौन सा भिन्न ऐसा है जिसका हर एक समान दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए 1/3 के जो तुल्य भिन्न है उसमें देखिए ध्यान से, और 1/4 के तुल्य भिन्न है उसको ध्यान से देखिए। आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि 1/3 के जो तुल्य भिन्न हम लिखे हैं उसमें 4/12 और 1/4 के जो तुल्य भिन्न लिखे हैं हम उसमें 3/12, ऐसी दो भिन्न हैं जिसके हर एक समान दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन्हीं तुल्य भिन्नों को लेकर आपस में जोड़ेंगे जिससे हमारा भिन्नों का जोड़ना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इन दोनों भिन्नों को लेकर आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 4/12, बीच में धन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 3/12। अब देखिए दोनों का हर समान है इसलिए हर को हम एक बार लिख लेंगे और अंशों को आपस में जोड़ देंगे। तो 4 × 3 लिख लेंगे, हमारा उत्तर हुआ 7/12। इस प्रकार से आप असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। अब इतना आप सीख चुके हैं तो चलिए आपके लिए गृह कार्य है, 3/5 × 1/4 इसको आपको आपस में जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा आपके लिए काम है 1/2 में 1/3 को जोड़ना है, और तीसरा आपके लिए सवाल है 1/5 में 1/6 को जोड़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं यदि आप वीडियो को ध्यान से देखे हैं समझे हैं तो ये काम को आसानी से कर लेंगे। अब बच्चों चलिए असमान हर वाले भिन्नों को घटाना सीखते हैं। जैसे जोड़ना सीखे हैं बस वैसे ही घटाने की क्रिया भी हम करेंगे। ध्यान से आप देखते रहिए। यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं 2/3 × 1/4, इसका उत्तर क्या होगा क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं तो वीडियो को रोकिए और करके देखिए। बच्चों समान हर वाले भिन्न बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तुल्य भिन्न लिखना पड़ेगा जैसे हम जोड़ने की क्रिया के समय किए हैं। तो आइए 2/3 का पहले हम तुल्य भिन्न लिखेंगे। कैसे बनाएंगे तुल्य भिन्न ये आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/3 के अंश और हर में 2 से गुना करेंगे। चलिए 2 से गुना करते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, यानी कि पहला हमारा तुल्य भिन्न हुआ 4/6। अब हम इसको ऊपर नीचे यानी अंश और हर में 3 से गुना करेंगे तो 6/9 प्राप्त होगा। 2/3 के अंश और हर में 4 से गुना करेंगे तो 8/12 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से 2/3 के अंश और हर में 5 से गुना करेंगे तो 10/15 प्राप्त होगा। आइए अब हम इसी तरह 1/4 की तुल्य भिन्न भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम 1/4 को ऊपर अंश और हर में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारी तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 2/8। 3 से गुना करेंगे तो 3/12। अंश और हर में 4 से गुना करेंगे तो 4/16। और इसी प्रकार 1/4 के अंश और हर में 5 से गुना करेंगे तो 5/20 प्राप्त होगी। अब दोनों भिन्नों के तुल्य भिन्नों को ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि दोनों भिन्नों में ऐसे कौन से भिन्न हैं जिसके हर एक समान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला 2/3 के जो तुल्य भिन्न हैं उसमें 8/12 है और 1/4 के तुल्य भिन्न है उसमें 3/12, ये दोनों के हर समान है। अब हम इन दोनों भिन्नों को लेकर आगे की गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए चलिए घटाने की क्रिया आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 8/12 × 3/12। अब बच्चों आप जानते हैं दोनों के हर समान हैं तो हर को हम एक बार लिख लेंगे यानी 12 को यहाँ पर हम लिख लेंगे और अंशों को आपस में घटा देंगे तो 8 × 3 लिखेंगे। इस प्रकार से 8 में 3 घटाने पर अंश में प्राप्त हुआ 5 और हर पहले से 12 है। इस प्रकार से हमारे उत्तर प्राप्त हुआ 5/12। ऐसे ही आपको यहाँ पर जो गृह कार्य दिखाई दे रहा है उसको आपको हल करना है। 2/3 में 1/6 घटाना है आपको, 8/9 में 3/12 घटाना है आपको और 4/5 में 1/2 घटाना है। ठीक ऐसे ही 1/3 में आपको 1/6 घटाना है। तो उम्मीद करते हैं भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना यानी समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना, समान हर वाले भिन्नों को घटाना, असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना और असमान हर वाले भिन्नों को घटाना आप सीख पाए होंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे भिन्नों का गुणा और भिन्नों के भाग के बारे में। तभी चलते हैं, आप सभी को जय हिंद।